यहाँ पर ये किस चीज का काम कर रहे हैं आप? इमली आलू बुखारे का शरबत है। एक गिलास कितने का बेचते हैं? एक गिलास 50 रुपए का। 50 का जी, यानी के दिन में 1000 तो इकट्ठा हो जाता होगा। गिलास 1000? नहीं, 200-300 गिलास दिखता है। 200-300 बस? बस अभी 24,000 बिल आया मुझे घर का। अच्छा। और 17,000 मेरा किराया है। अच्छा, ये रेडी में लगाता हूँ, ये इतना बिल मैं कहाँ से दा सकूं? ये जो रेडी यहाँ पर लगाई हुई है इसका किराया भी देते होंगे? नहीं, कुछ नहीं देते, वो मालक बहुत अच्छे हैं मेरे। अच्छा, वो 2-3 हज़ार मेरी महीने की मदद भी करते हैं, बहुत नाइस है। पहले इतना बिल आता था, इतने यूनिटों का 3,000-3,500 बिल आता था, अब 24,000 आया उतने यूनिटों का। हुकूमत को चाहिए, ये हर माह बाद 7 रुपए यूनिट बढ़ा देती है, कभी ये 9 रुपए यूनिट बढ़ा देती है, कभी ये 12 रुपए यूनिट बढ़ा देती है, तो इसको सोचना चाहिए, मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा, अगर ऐसा करना है तो ये अपने अपने घर कैसे चलेगा मुल्क? मुल्क ये इसने इतनी महंगाई कर दी है कि वहाँ बाहर नहीं निकल सकती। अच्छा, अगर मैं इधर से 1500 कमाता हूँ तो ये मैं छोड़ के सड़क पे जाऊँगा तो मैं रात को चूल्हा कैसे चलाऊंगा? ऐसा ही है। हाँ, इन्होंने मुल्क को अभी आपने कहा है कि सिर्फ दिन में 300 रुपया कमा लेते हैं, जो कि महीने का अल्लाह अल्लाह करके बनता होगा कोई 15,000-16,000 इससे भी कम। ठीक है, तो 24,000 भी ला के जमा कैसे करवाया? मैंने 2-2.5 लाख रुपए का कर्जा ही हो गया। कहाँ से? हाँ, इस हुकूमत जब से ये हुकूमत आई है। आपने कर्जा लिया जो कहाँ इस्तेमाल किया? कश्यप वाले ने कर्जा लिया, वो मैं कर्ज कहाँ इस्तेमाल किया है? वो बिलों में था किया है। तो जो बाहर के मुल्क से हमारे गवर्नमेंट ने कर्ज लिया है IMF से, वो इस्तेमाल होता नजर नहीं आया? वो खुद खा गए हैं। ये अगर इंसान के बच्चे हो तो ये अपनी रहमत वाली जगह बेचे। अच्छा। और ये मुल्क का कर्जा उतारे, मुल्क आराम और सुकून से जिंदगी बसर करेगा, खुशहाली आएगी, मुल्क तरक्की करेगा। ये अपना बेचे ना, ये अपने पल्लियों से वाम को कह रहे हैं कि वाम कुर्बानी दे, कुर्बानी दे, कुर्बानी दे, ये आप भी तो कुर्बानी देना। अच्छा, ये एक एक बंदा चाहे तो मुल्क का कर्जा उतार सकता है, मुल्क खुशहाल हो सकता है, हर घर में खुशी आ सकती है। अभी देखो कितनी मौतें हो रही हैं, कोई कहाँ मर रहा है, जिम्मेदार कौन है इनका? इनका जिम्मेदार हुकूमत है। मौत तो हल नहीं है ना, कोई और हल नहीं है? नहीं, इसका वो तो जो जिसने, मैंने अगर 2 लाख देना है तो बार बार आएगा ये 2 लाख रुपया दो, मैं कहाँ दे दूंगा? फिर मैंने खुदकुशी करनी है और क्या करना है? नहीं, खुदकुशी करना तो मसलों का हल नहीं है, तो फिर क्या करें ना, कहाँ से पैसे लाएं, इसके पास जाएं? इसने इसको वोट दिया कि ताकि ये मुल्क को थोड़ा बहुत सवारे, लेकिन ये अपने बारे सोचते हैं, ये गरीबों का नहीं सोचते।